कर दोस्तों, हाल चोट में आप देख रहे हो लाइव तस्वीर। एक हताश निराश उदास परिवार परिवार गण कारण की है आज का दिन। ये जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हो, जो ये भाई हैं चाचा ताऊ खड़े हैं, तो उदास है निराश है, क्योंकि बीपीएल परिवार है, गरीब आदमी है। और आज का दिन जो जनता कह है, जैसा जनता कहना कि ऐसा राज पिछला हम देखने ला रहे हैं, कि हर आदमी परेशान है, लाइनाम लाग रहे हैं रोजाना रोजाना, महंगाई की मार, महंगाई की चोट जो है आम आदमी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, ईसाई राज मस्ती फैलन ला रही है, सिर के ऊपर चढ़न लाग रही है। हर एक आदमी, जनता, आम जनता परेशान है रोजाना रोजाना, चाहे वो फैमिली आईडी की समस्या हो, चाहे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज के दिन आम आदमी देखनी पड़ रही हैं। और जो भाई, ये जो चाचे ताऊ खड़े हैं, ये जो भाई है राजेश, दहाड़ी मजदूरी करने आदमी, बीपीएल परिवार, और भगवान ने एक ऐसी त्रास दिन का घरना करी है। कैमरामैन साथी कहूँगा, जो नुकसान होया है, अब कारण के है कि कल कल की बात है ना भाई साहब? हाँ, कल कितने बजे दिन में? 12:30 बजे। भाई साहब दिखा दो, जो नुकसान होया है, पूरी रसोई जल गई है भाई, थोड़ी और साफ कर ले भाई, मतलब जो है। हाँ ये दिखा, रसोई जल गई है, आगजनी हुई है, आग लगी है। अभी आग किस तरह लगी, कुकर सारा सौदा बढ़िया है, पूरी रसोई खाली, क्योंकि लगभग लगभग सामान जो प्लास्टिक का था वो तो जल चुका, और जो बचा है वो बाहर इन आंगन में गिर रखे भाई, वो भी दिखावाएं। आ जाए कैमरामैन साथी वापस आ जाए, दो टंग वापस धर ले, और जो सामान जलाया हुआ है और जो आंगन में पड़ा है ये दिखा दे भाई। उसके बाद पूरी कहानी बतावेंगे कि कांड रहे क्यों जो है, ये बोर्ड भी दिखा दी भाई बिजली का, के कारण रहा, किस तरह आग लगी है, किस तरह परिजन ने बेरा पटया, परिवार कित था, कौन के करना था, किसने सबसे तो पहले बेरा पटया, किसने लास्ट में बेरा पटया, किस तरह यह आग बुझाई गई, किस तरह यो घर बचाया गया, किस तरह सारी चीज हुई है। जो ये पीछे बर्तन है दिखा दे भाई, जो सामान जलाया हुआ है, ये गुड्डत लेके ये परले सारा सिस्टम दिखा दे। कैमरामैन साथी तो कहूंगा कि किस तरह पूरा घर में आग लगी, और किस तरह यो परिवार आज का दिन बचा है, किस तरह यो घर बचा है, घर में कौन था कौन नहीं था, किसके साथ क्या चीज हुई है, सारी बात बुझाएं जानेंगे, और वीडियो में बुझाएंगे। अगना जब सब राजेश भाई, राम राम भाई सर, राम राम जी। आपका घर है, हाँ जी किस तरह यह आग लगी, आपने किस तरह बेरा पटाया? जी, मैं खेत में जा रहा था, और बाद में फोन फान करके बताया, और परिवार का भी कुछ लोग जा रहा था खेत में, और उस आए तब मान लो नहीं बारह जाड़ी करके मड़ा साफ कर दिया, नहीं सोचे आके के देखा है, और रबड़ की ज्यादा लपट मैं कार हो रही थी, इसलिए मान लो वो बाहर गिरना पड़ गया है। घर में कौन था उस टाइम आग लगी जब? मेरा चचेरा भाई नजदीक मेरा है आपका घर का, आपका परिवार का सदस्य? ना, मेरा खुद परिवार का कोई नहीं था। अच्छा, मतलब घर खाली था उस टाइम पे, सारा परिवार खेत में जा रहा था? हाँ जी। अच्छा, अड़ना जाता हूँ तेरे बुझ ले, आज अड़ना जा। हाँ, राम राम। राम राम। शुभ नाम? हरिशंग। हाँ, ये बताओ क्या बताओ थे? आठे अण के घर में कोई कौन था? मैं उठे दुकान में थो जी, भाई भाई क्या थोड़ा नहीं मार बोलो ढूंढने क्यों पट रहे हो जी, तो मैं आया भाई भाई जी देखो तो बेटे तो बड़े तो कौन सा घर घर में और आकाश में ढूंढ पट्टा बेटी तो गाँव भाई जाए भाई ये तो गाँव सारे भाई को बुझाओ बुझी करी तो नैनी कट्टी बुझाया बुझे किसने करी से तो पहले लेन कौन कटनी कुलदीप कट्टी है तय कट्टी है। राम राम भाई साहब। राम राम। शुभ नाम? कुलदीप। आपने काटी है लेन? हाँ जी, मैं मेरे पड़ोस में घर है पिछली साइड में, बाहर बैठा था पेड़ के नीचे, तो एकदम धुआं निकला, मैं भाग के आया यहाँ पे, देखा आग लगी हुई है, ये पता नहीं चला किस कारण से लगी, अंदर आके देखा बोर्ड से लग रहा था लाइट वाला, तो मैंने जाके बाहर एमसीबी बोर्ड उसको डाउन किया, और डाउन करने के बाद दोनों तार काटे, काट प्लास से प्लास से यहीं पे रखा था बाहर दरवाजे में, और मैंने दोनों प्लास से काट के तार और पानी की बाल्टी डाल के, और उससे मतलब आग को थोड़ा बहुत शांत किया। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद किए करें? उसके बाद मैंने मतलब रुक्का मारा गांव वालों को कि भाई आग लगी है, आग लगी है, तो गांव स्कूल पास में ही है, तो मास्टर जी वहाँ से वो क्या नाम है आग बुझाने वाली वो टंकी से लेके आए, और उससे फिर अच्छी तरह से बुझाई। नमस्कार मास्टर। नमस्कार। शुभ नाम? मैं सुनील कुमार, JBT मास्टर, राजकीय प्राथमिक दमकोरा। स्कूल के पास में मकान है, और जब धुआं दिखा और आग आवाज़ आई ना तेज, आग लग गया अगली, तो हम स्कूल से बाहर निकल के देखा तो पूरा धुआं ही धुआं हो रहा था। फिर हम रसोई से जो फायर आग बुझाने वाला जो संयंत्र था वो लेके आए, और हम आ रहे हम कुक भी साथ आई, फिर हमने उसकी पिन निकाल कर उसको आग को बुझाया। तो आप जब आए तो क्या कुछ देखा आपने, मतलब कैसे?
पूरा मकान में धुआं ही धुआं था, जल रहा था, प्लास्टिक का सामान इतना जला हुआ था कि उसका धुआं अंदर घुस भी नहीं सकते थे, पूरी तरह जला हुआ। तो मतलब बड़ी कोशिशों के बाद आप अंदर? हाँ, बहुत कोशिश हो गई, जंगले के अंदर से पहले उसको डाला, फिर वो धुआं कम हुआ, फिर अंदर बढ़ के उसको बुझाया। तो कितना टाइम लगे आपने इस मतलब पूरा प्रोसेसर में, मतलब आप कितनी देर? मतलब 15 से 20 मिनट लगी। 15-20 मिनट लगे। हाँ। तो उसके बीच में तो कितना सामान जल गया होगा? मतलब काफ़ी सामान जल गया, पूरा ही जल गया, रसोई में जो भी किचन में था ना जी, पूरा सामान जल गया, प्लास्टिक का जो घी के टिन थे या तेल की पीपियाँ थी, सब जल के आग हो गया। तो अब वो सामान फिर जले बाद में डाल, ये बाहर डाले पीछे बनी। तो मतलब यह भी देखो कितनी मतलब अपने समाज की वाह है कि भाई आप घर ना नहीं थे लेकिन फिर भी मास्टर जी ने हिम्मत मारी है, ठीक है, और साथ में एमडी कुक लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने भी नैतिक जो है कर्तव्य निभाया आपने। वो तो बनता है जी, उस टाइम बाप नू भी सोचोगे थे भाई तेरी की पड़ी थे तो नहीं, वो तो होता ही ऐसे समाज में, गांव देहात में ऐसा ही होता है जी, एक दूसरा सहयोग करते हैं, पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया था उस टाइम। अच्छा, हाँ जी, हाँ पूरा गांव आ गया था जी, पूरा गांव आ गया। घरों में चप्पल नहीं थी, कोई वैसे भाग रहा था, कोई लेडीज के सिर पे दुपट्टा नहीं था, भाग रहे थे सब आपस में। फिर धीरे धीरे करके मतलब मास्टर जी के सहयोग से और गाँव वालों के सहयोग से आग को कंट्रोल किया गया। अच्छा, तो आर्थिक स्थिति मास्टर जी आप तो पड़ोस में हो, कैसी है? मतलब नहीं, गरीब परिवार है बिल्कुल जी, बिल्कुल अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो मतलब यह चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ जाती तो कैमरा और भी ज़्यादा नुकसान देखने में। नहीं, चलो भगवान की दया से ये हुआ कि आर्थिक नुकसान हुआ, किसी जनहानि नहीं हुई। ये भगवान लाख लाख रसोई की पूरी छत करेक हो गई। हाँ। और यो भी आड़ चढ़े खड़े हैं, वो भी कैमरामैन साथ दिखा दे भाई, यो भी पूरा मतलब जल है फिलहाल। ये सब भी कर, सब कंडेम हो रहा है, चौका भी कंडेम हो रहा है इसके, करेक हो रहे हैं सब चौका जाका। तो नुकसान तो काफी ज्यादा और भी हो सका था, काफी नुकसान हो रहा है। तो सिलेंडर बड़े बाढ़ मात्र बचेगा, बीच में स्लिप की दीवार आने की वजह से। अच्छा, नहीं तो सिलेंडर नुकसान हो सकता, सिलेंडर फट जाता और नुकसान ज्यादा हो जाता, फिर कई दूर तक धमाका होता फिर तो। हाँ, और यो भी अच्छी बात है कि घर में उस टाइम पे कोई नहीं था, वरना तो धुआं तो मान लो। हाँ, यही मतलब रह गया कि घर पे कोई नहीं था, इस कारण मतलब कोई जान के हानि नहीं हुई। कोई भीतर बड़ा तो नुकसान और भी हो सकता है। तो भाई साहब आप भी डाटा वगैरह मार के मतलब? हाँ, डाटा वगैरह मार के पूरी सेफ्टी के साथ है। वो हाँ, लाइन काटती थी, दिखाओ बोर्ड। इस बोर्ड में आग लगी, या बोर्ड दिखा दे भाई कैमरा मैन साहब। इस बोर्ड में आग लगी थी और यहाँ पे आटे का और मतलब गेहूँ का कट्टे रखे थे, और उन कट्टे के ऊपर चिंगारी पड़ने के कारण वो सब धधक गए एकदम से। प्लास्टिक वगैरह की बाल्टी बुल्टियाँ कुछ रखी थी तो वो धधक गई, और फिर लाइन काट के फिर मतलब पानी पूरी डाला, और मास्टर जी वो लेके आए थे, उससे आग को कंट्रोल किया गया, और ये सारी फिटिंग यहाँ से लेके वहाँ तक सारी फिटिंग भी सारी लगी। हाँ जी। अच्छा, कितना के नुकसान? और इसके बारे में लगभग एक से 2 लाख के बीच में नुकसान हो गया जी। मतलब जो आपका खान पीन का जितना सामान था वो रसोई में जो आप 1 महीने चलाओ और 2 महीने वो सारा गया। रसोई में क्या कुछ नहीं होता है, घर में सब कुछ होता है, चीनी है, कोई तेल है, कोई आटा है, घी है, गेहूं भी है, और भी कुछ है, ऐसे करके मतलब 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। फिर छत के भी तो हो गया। और छत के चौके टूट गए, कम से कम 50,000 रुपये छत के मतलब तकरीबन 2.5 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और एक गरीब आदमी के लिए 2 लाख का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आप बीपीएल परिवार है, एक एक कड़ी तक कड़ी जोड़ के, एक एक रुपया जोड़ के, पेट के पट्टी बांध के जो है इस परिवार ने, राजेश भाई का पूरा परिवार ने जो है, हर एक आदमी चाहिए राजेश क्यों लगा लो, चाहे मेरे लगाओ, चाहे आपता लगाओ, एक एक ईंट जोड़ा है, अपनी पूरी मेहनत लगा हुआ है, और उसके बाद अगर भगवान ऐसा समय दिखावा है कि भाई घर में आग लग जाए, वह भी बार बार शुक्र मानना है भगवान का कि उस टाइम पर कोई घर नहीं था, तो एक एक ईंट जोड़ के आदमी जो है भाई पेट का पट्टी बांध के अपना घर बना हुआ है, एक सपना का घर कि भाई वो पूरी ज़िंदगी अपनी इसमें बितानी है, हर एक सपने उस घर तक जुड़े हुए हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और आदमी अपनी सारी आमदनी, आय, मासिक आय, वेतन जो भी है, भत्ता लगा लो, चाहे मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, सब चीज़ उसमें झोंक दे है, अपना रसोई के अंदर हर एक सामान, एक एक दाना जो है अपनी खून पसीने की कमाई तो लिया जा है, मतलब कि 1 महीना 2 महीने या 5-6 महीने तक का सामान राशन आप ही अपने रसोई में रखा भाई, और वो अगर जल जाए किसी भी कारणवश तो आदमी की स्थिति उस टाइम पर कमज़ोर हो जाए आर्थिक रूप से। पहले जिस तरह मास्टर जी ने बताई बीपीएल परिवार है। नाम भाई? अपना शुभ नाम? छोटू राम। अपना क्या मानना है भाई?
ये मेरा मानना ये है कि बड़ी मशक्कत से ये बनाया गया था और पिछले 6 महीने से इसने लड़की शादी की थी, वैसे भी टूट चुका था। अब आज के दिन ये नौबत आ गई थी, टूटने में क्या आप बता सको, मतलब परेशानी में, परेशानी में, ज़्यादा परेशानी में। तो फिर कौन है, किसने आप देखो कि भाई फलाना आदमी हमारी मदद कर सके? जी हम तो सरकार से उम्मीद रखा हैं और खास करके तो दलाल साहब से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं हम तो। और भाई दलाल साहब का तो यूँ है ना, क्योंकि मैं फिलहाल बात करूँ तो लोहारू हल्का गाँव दमकोरा के अंदर में, और लोहारू हल्का की जनता छोड़ो, मैं तो सर्वे करने रहा हूँ फिलहाल, 5-5 हल्के अपना सर्वे चल रहा है, जना जना का भाई लोहारू में विकास करवाया है दलाल साहब ने, और उन्हीं की जनता में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं का जो है ना शासनकाल में, उन्हीं की जनता के बीच में एक ऐसी चीज़ हुआ है, एक गरीब आदमी, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी जो है उसके घर ना आग लग जाए है। तो मैं भी जो है भाई की बात सहमत हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर दलाल साहब तक मेरी वीडियो जाए, मेरी बात जाए, तो शासन प्रशासन तक मांग है कि भाई इस आदमी की मदद करी जा। ये उनका राशन कार्ड है, कैमरामैन साथी कहूँगा भाई ये उनका राशन कार्ड दिखा दे, जो इनकी आर्थिक स्थिति दर्शाता है कि भाई हाँ ये मतलब कि देखो वैसे तो गरीब नहीं कहना चाहिए लेकिन आर्थिक रूप तक कमज़ोर कैस कहाँ कि भाई रियलिटी में अगले हैं और एक एक रुपये के मोहताज आज के दिन, और ये नुकसान जो है बड़ा भारी मैं तो मानता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करनी आदमी का जब नुकसान हो जाए। भाई ने बताया पिछले लड़की की शादी करी है, हाँ 6 महीने पहले लड़की शादी की है जी, बहुत ले रहे थे बड़ी मुश्किल से, यार मैं इसकी खुद मतलब शारीरिक हालत है वो भी थोड़ी डाउन हो रही है, क्योंकि कमज़ोर मतलब बीमार है, हाँ बीमार है क्योंकि हार्ड वर्किंग के कारण भाई बीमार है। अच्छा ये तकलीफ जी पिछले 12 महीनों से ये स्किन एलर्जी की समस्या से पीड़ित हूँ और 6 महीने पहले ही लड़की की शादी की है, तो गरीब आदमी के देखो इतना नुकसान हो जाए तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जी। मेरे तो एकदम सुन सी हो गई, बोले कर मैं तो आके नहीं बैठे हुए गाँव वालों ने ही बुझाने की कोशिश की, हाँ जी गरीब छोरा का मन से खून पसीने नहीं कमाई और मैं ना हूँ तो बड़ा सबके आप करते उस टाइम पागल आगे जी। हाँ हाँ मैं खेत में से आई थी रोटी लेके, अच्छा मैं को यो के हो रहे से पड़ोसियाँ ने मास्टरा ने ला मारिया यो बीमार छोरा उठ के आके आने मैं को यो मैं बड़ा गोबर रहा बड़न दो तू भी आ जा बाहर ने गाम ने लैंड काटी से मास्टर आया से आग बुझाऊन को लिया से एक जनानी आई से साथ नौकरी करने वाली नहीं मार तो कोई राय कौन था एक छोरा उठ जा रहे थे सार कोई भी नहीं था मैं तो बुखार में ही सुकड़ती आई थी घर में कोई कौन था ना जी। अच्छा। बस यो छोर थोर मामी माँ बेटो था क्या हुआ वो था आपने क्या देखा गरीब लगेड़ी देखी न्यू को न्यू तो कोई कतना लग गई थी समझ में ही कोने आई मैं तो नहीं करूँ समझ में ही तो कोने आई वो दौड़ी सी मंगला थी कौन किसका आया बताई क्यों है बुखार चढ़ा सा तो पड़गी पास हम तो कने आवनी ही ठाई हां आया बैठ बैठाई बताई किसने दर्द है भाई मैं बताई से बरोटी लेके आई छु मैं कोई यो खेत में तो बरोटी लेके आए थे ये अरे तुम तो मैं देखा नहीं ना बीमारी से बुखार में छूटी आई नगर पटे और मैं तो पाछा में मास्टर आया से लाग रही थी रोटी बनाने वाली बाई से जब बजाने वालों लेके जे दबो दबे नुकसान कितना के मन हो सब कुछ बढ़ गयो पड़दान बड़दान सब किन था सब के स्कूल में तो ये आगे और इन पूछ लियो ये भी हाजिर थे आप स्कूल में एमडीएम कुक। अच्छा हां जी तो आप ते किस तरह मेरा पटा कि भैया इस घर मार जी हम बाहर निकल के रुका मारया कि भैया आग लाग रही है आग लाग रही जब हम स्कूल में थी वो जब आई थी मेरे साथ एक और हवा भी आई थी एमडीएम कुक हवा भी हम दोनों लाग रहे हैं स्कूल में और जब वो आग बुझाने वाला साथ लेके आए थे हम और साथ मास्टर जी भी आए थे। अच्छा हां जी तो फिर कितना के सौदा बढ़ गया था न्यू मान लो कुछ बचा कौन रहा था जी खूब आग लग रही थी कसुत्ती डाल जब हम साथ लेके आए जी कोई पानी मारे था कोई समझ में ना आई जी इतनी ज्यादा आग लग रही थी जी तो उस तो बुझे बाद में के कुछ बचा कि मैं रसोई में कि मैं छोड़ दिया एक सबे कि मैं के बचा था कुछ बचा हो तो जी दिक्कत आटा ही कौन थी जी
बचा है कौन जी कुछ भी रसोई में तो बीपीएल परिवार है। हाँ सर, हाँ सर, तो मतलब कि आर्थिक सहायता भाई ये मांग कर रहे हैं भाई मारी। हाँ हाँ सर, होनी चाहिए सर, क्यों नहीं होनी चाहिए, आपने पता ही है भाई ये गरीब काम है, इतना वो तो है कौन इस मारे। अच्छा किस्त मांग करो, हो कोई नो भी होगा फलाना आदमी कर सका है तो जी जेपी दलाल तो मांग करा सा मार तो ये ही से भगवान दलाल साहब से जो भी किम से, हम तो पहले भी दलाल साहब न मानना करता, आज भी दलाल साहब न मानना सा, जो ये करेंगे तो मारो कुछ बन जाएगा, नहीं मारो किम्मी कौन बने, कोई राह कौन लिख रहा है, और कोई को नहीं, और कोई को नहीं मारतो, और सच्ची बुझो तो किम्मी को नहीं, ये खोटे का दाना मिला था वह भी आड़े बढ़ गया। गरीब आदमी कोटे में तो मिले उरे लिया किधर रखे थे, एक तेल की बोतल 7 तारीख नहीं लिया हूँगा शायद खेती का काम मना को नहीं, मजदूरी मना को नहीं, खाट पे बैठे से ये तो अच्छा। कुछ काम तो मना को नहीं इन पे ले, मैं भी आ जाऊंगा खेत में ठीक से, फिर हम तो फोन करके ना जी बुलाया मैं करे थोड़कन फोन के भाई तुम गरी आ जाओ अपने गरीब भैया, मैं कि असम को नहीं मां की गणी हो रही है मुख न्यू कौन बता भाई आग लग गई पछड़ ने ग्रुप घेर दी जो मेरे सागी जेठ सखे तुम ऊँ छोरा आन ना कि बता दी न्यू लेनी न्यू आ रहा जिसके गरी तो आग लग गई सब किम बड़ गए रसोई फिर ये आई आमी सर इतना ज्ञान कौन था जी आमी नहीं सची छोरी बाबू आओगी उड़त बड़क पढ़ाने जा सुड़े और छोरा आओगे कॉलेज में तो आम दी देखूंगा तो चक्कर खा के पड़ जाऊंगा। आमी साहब 5-4 टब्बर तो दानका का बुलाया बड़ी बड़ी छोरी थी रामी लग गई सारी 10-15 जना लग गई बर्तन सुवार दिया वो अड़ंगो काट काट के बाहर कितना टाइम लगा होगा अपना आग बुझाने यानी मतलब जब आप टाइम तो लगा है सर के एक मिनट में तो बुझा को नहीं जी सब दिन लग गया मार तो सब दिन बर्बाद होया कल सब दिन तो के है सारा दिन बर्बाद होया है जी मारा तो हम सारा काम सब कुछ बढ़ गया मार तो सब कुछ बढ़ गया तो ये कितना नुकसान की मैं नू तो कोई आंकड़ा तो आते तो कम को नहीं जी छत पाड़ की भी लगावांगा रसोई माज दाना लियाऊंगा जी टब्बर खाऊंगा सन पड़ोसियों की रोटी खाई थी अगर जम झूठ मानता हो तो भी पड़िया पड़ी से रात की बचोड़ी रोटी पड़ोसियां रोटी खुआ के गया था आपने बेरा है इस चीज का तो बताइए पर के आपने हालत कौन दिख जी मकान की देखो तो सर आप भी तो कुछ तो आपने भी खींच लेके गुदड़ो लगा के किमी कौन था फिर तो बस जहाँ हम भी बड़ा पड़ोसी मरे ना बड़ो ना बड़ो मैं बड़ गी उरा है मैं कोई ककबाड़ खोल के देखू तो उरे तो बना तो पाछ तो वे साथ ना होने तो और भी ज्यादा दिक्कत होवे वे बड़े हम भीतर उन टंकी खींची है। चलो कहने की बात यह है भाई जो आगजनी हुई है जो आग लगी है जो नुकसान होया है मतलब सिलेंडर था सब तो बड़ी बात या देखना मिली कि भाई आग लगी लेकिन सिलेंडर तो ही भगवान की दया था वो आग नहीं पहुंची, अगर वह पहुंच जाए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था और केवरा जिस जगह अभी खड़े वह जगह अभी इस तरह की दिखा भी नहीं यार केवरा पूरा पूरा ढांचा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए उसका। और दलाल साहब तो जो है भाई जो लुहारू के विधायक हैं और हरियाणा के कृषि मंत्री हैं और जिनका शासनकाल बड़ा बढ़िया बताया जाए भाई आज का दिन जो है लुहारू विकास कार्य करवा रहे हैं तो उन तो रिक्वेस्ट करें पानी पीऊँ नहीं कौन था देपी दलाल जी ने पानी पूछा खेता में भी पानी मुन नहीं करवाए से जो जिसके खेता में बहुत बनवा रखे तो देपी दलाल ने बनवाए से तो यही करूँगा हमारी मदद तो भाई दलाल साहब तो पानी कौन था दलाल साहब तई मेरी वीडियो पहुँचाओ ताकि उन तई पूछे कि उनके कार्यकाल में उनके शासन में उनकी जनता के बीच में क्या चीज़ होना ही है किस तरह उनकी एक जनता उनका एक भाई पूरा लुहारू आज का दिन दलाल साहब का परिवार है जो है ना भाई कैमरामैन साथी वाली बिल्कुल सही बात है कि भाई आज का दिन लुहारू की जनता तो दलाल साहब तय आस लगाई बैठी है उन तय एक टक देखी जा है और हाथ जोड़ के मेरी माता जो है भैया रिक्वेस्ट करना रही है कि दलाल साहब ही हमारा कुछ कर सके हैं पीछा करे तो ये भी करेंगे तो दलाल साहब तय मेरी वीडियो पहुँचाओ उन तय बात पहुँचाओ कि किस तरह यह आग लगी है आग हुई है किस तरह नुकसान हुआ है चौकी भी गए हैं जो रसोई का सामान था वो भी सारा चला गया पीछे कोटा के दाने बताऊं वह भी चले गए तेल की बोतल थी वह भी चली गई यानी कि और पड़ोसियां कल रात ने खाना खाया है और जब तक
भाई कोई आर्थिक सहायता नहीं हो जाएगी तब तक शायद इन नुए अड़ोसी पड़ोसी परिवार में खाना खाना पड़ सका है। यो तो अपना देहात है, समाज है, ग्रामीण एरिया में रहा तो भाई अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे ने बूझ ले है। जब किसी बड़ा शहर में और तो दूसरे मतलब की जरूरत नहीं थी के होना रहा मरो खपो कि में हो जाओ अड़न होता पूरा गाँव जुड़ गया था। तो यह भी मेरी जो है भाई संस्कृति है, हमारा ग्रामीण एरिया है तो इसका भी बार बार धन्यवाद करूँ। गाँव हम जम गए तो यह चीज़ होना रही है। दूसरा गाँव के घर के नहीं थे तो भी गाँव वाले ने आग बुझाई है, मतलब बड़े ही उसका कम है, नहीं तो दूसरा आदमी के जरूरत हो दूसरा आदमी की सहायता करने की मदद करने की। तो उस खातर भी पूरा दमकोरा गाँव का बार बार धन्यवाद मैं भी करूँ, मेरा चैनल खोज हरियाणा भी करे भाई आपने इतनी कोशिश करी है। और जो हमारी बहन है जो एम डी एम कुक हैं स्कूल में उनकी टीम भी आई है, एक और उनकी साथी थी, एक हमारे गुरु जी थे वह भी आए हैं, इन्होंने भी जो है ना भाई यंत्र लिया आग बुझाकर आग बुझाई, तो इनका भी बार बार धन्यवाद, स्कूल का भी बार बार धन्यवाद। और दलाल साहब तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इस परिवार की तरफ देखो और इनकी आर्थिक सहायता करी जानी चाहिए। जितना आपने नू लगा कि भाई हाँ आड़ इस परिवार का जो जीवन है वो बच जाएगा, ये दोबारा अपना एक नई शुरुआत कर सके हैं, तो वह उतनी इनकी मदद जरूर करियो। और वीडियो ने भाई दलाल साहब तक शेयर जरूर करनी है। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाचे ताए भाण भैया ने मामा होपिन राम 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 जी। मोदी जी साहब पहले आप दिया कर दिया कोरोना में गेहूँ उठे ताई का बचा बचा के रख रखे था। अच्छा। कि भाई अपना आगे काम आ जाएगा, खेती थोड़ी बहुत करें सही इतनी करें कौन इस छोर का थम तकलीफ से, यो एक छोरा से यो काम पर चल जाए, छोरियान किसके खेत में बांट दे छोरी गल ब्याई से चार महीना आए सर तो जित भी खर्चो लागे सर आप बरगा ने मदद करी से गाम राम ने मदद करी से जे पी दलाल बरगा भी मदद करी से तो छोरी भाई आपके घर के कर दी कन्यादान कर दियो सुतरी रार छोरी ब्याह दी ईब के करा इसको ईब यो तो कौन सा है जा ई पड़ोसियाँ कै दिन खावांगा फिर मारो काम अच्छे से मतलब के है? आठ का यो करते हो ना तो छोरो काम आड़ो से आपको आपको खानी ही था। ठीक बात है भाई, पेट का पट्टी बंद क्यों घर बनाया है कि कीड़ जोड़ी है। तो यह वीडियो भाई दवा साहब जरूर पहुंचा दो। राम राम।